अस्सलाम वालेकुम और सुना सब ठीक। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बारे में। जी हाँ, तो आज का जो मैच था वो थोड़ा सा दिल तोड़ दिया यार उसने। असल में हुआ यूँ था, सीन कुछ ऐसा था कि भाई हम ऑफिस में था मैं, ठीक है, और एक नया प्रोजेक्ट मुझे मिल रहा था। लेकिन मैंने अपने बॉस से कहा, नहीं भाई मुझे प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बॉस मेरा उठा रहा था भाई, फुल जो है ना वो मुझे हर बेनिफिट देने को तैयार था। कह रहा था कि भाई तुम जो है ना, तुम्हें मैं गाड़ी दूंगा, तुम्हें मैं बंगला दूंगा, तुम रुक जा, पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं देखने का। लेकिन तुम्हारे भाई ने भाई बोला सब कुछ बाढ़ में गया, पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने जाना है। एक्सीलेटर लॉक करके भाई के भाई अपने पास सबको पता है 70, तो उसको लॉक करके यहाँ पहुँचे। फिर सीन कुछ यूँ हुआ कि घर पे आया तो पहले से LED पे मैच चल रहा था, अब्दुल्ला शफीक आउट हो चुका था। अब्दुल्ला शफीक से कोई शिकवा नहीं है भाई, उसने जो है श्रीलंका के आगे बहुत बड़ा स्कोर दिया, उसके सारे गुना माफ। बड़ा अच्छा मैच चल रहा था, इमाम जो है वो एक ही शॉट जो है घुमाता है, इस तरह बैट घुमाता कि 5 साल का बच्चा भी ऐसा बैट नहीं घुमाता। उसने इस तरह बैट घुमाया और वो आउट हो गया। फिर ये कहता है कि आप मुझे पर्ची नहीं बोलो, मेरे रिश्तेदार, मैं अपने रिश्तेदार को स्टेडियम नहीं ला सकता क्योंकि आप लोग पर्ची बोलते हो। अरे तो भाई तुम अपनी परफॉर्मेंस सही करो ना, तुम्हारी परफॉर्मेंस ऐसी है तो फिर हम कैसे तुम्हें पर्ची ना बोलें। आ गया रिजवान ने भाई आउट क्लास, श्रीलंका के टाइम बहुत ज़बरदस्त बैटिंग दिखाई, तो वो रिलायबल प्लेयर है, उसको हम कुछ कहेंगे नहीं, उसने बेहतरीन खेला। बाबर और रिजवान की जो बैटिंग चल रही थी, अपने जो है वो दोस्त को, कज़न को बोला, दोस्त भी है कज़न भी है, उसको बोला कि यार जाके प्रोजेक्टर ले आओ। तो भाई साहब वो प्रोजेक्टर ले आया और अस्सलाम वालेकुम। तो ये जो है प्रोजेक्टर लेके आया और बड़ी दूर से लाया बेचारा कि यार मैं जो है मैच चलाऊंगा। हम नहीं खा रहे थे, हमने कहा नहीं भाई बाबर और रिजवान जमे हुए हैं तो हम आगे तक इसको देखेंगे, ना खाना खाएंगे ना कुछ। तो इतने में भाई अब इंसान को वॉशरूम वॉशरूम जाना होता है, तो 155 पे 2 आउट थे। अब मैं वॉशरूम से जैसे आया हूँ तो भाई 4 आउट। अबे भाई ये क्या कर दिया, अजीब मैच चल रहा है, बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही है। मैं इतने जोश से हम लोग यहाँ आए थे नहीं देखने के लिए, मतलब यार 4 आउट एकदम से। भाई बाथरूम में इतनी देर नहीं लगती है, तुमने 4 आउट, 4 विकेट गिरा थी। अच्छा सोचा ये था शाम जैसे ही होगी ना मैच लगाएंगे, क्योंकि अंधेरा होता है रात के टाइम, तो गली में मैच लगाएंगे पर्दे पे और सबको दिखाएंगे। फुल तैयारी में थी, ये भाई आए थे हमारे, ये नाजमाबाद से आए थे और जो है वो ऑक्सपेगी साइड यहाँ पे जहाँ पे घर है मेरा, तो वहाँ पे हमने फुल तैयारी करनी थी। और भाई साहब प्रोजेक्टर दिखाओ उनको, प्रोजेक्टर दिखाओ। पूरा रेडी करके रखा था हमने बैग के अंदर, अभी तक खोला भी नहीं है। मैंने से कहा था कि भाई 7 बजे तुम फिक्स आ जाना, क्योंकि मैच तो 9 बजे तक चलते हैं, हम 2 आखिरी में 2 घंटे मैच देख लेंगे। और आखिरी का मैच जो है ना वही जो है ना बड़ा मजा करता है, आखिरी जब एंड टू एंड बॉल पे मैच होता है। तो ये प्रोजेक्टर था, सही है, ये बड़ी मेहनत से जो है इसको लाया है और इसका पता नहीं हमें 15-20 हज़ार किराया देना है। अब ये कहाँ से चुकाएगा, इसके पास बाल कटाने के पैसे नहीं है, ये इसके पैसे कहाँ से देगा। यही तो सारा मसला है। और पाकिस्तान वालों थोड़ा इज्जत से अच्छा खेल लो गेम यार, हमारी इज्जत खराब हो जाती है। 7:30 बजे मैंने इसको बोला कि तू भाई आ जाना, ये 7:30 बजे जैसे आया मैच ही खत्म है, ये मेरे को आके बोलता है कि हाँ लगा है। मैंने कहा भाई मैच ही खत्म हो गया, क्या करें हम, तो ये कोई तरीका नहीं, तो हम क्या करें इसमें, क्या मियां खलीफा की मूवियां देखें, क्या देखें, क्या करें, हाँ और क्या देख सकते हैं इसके अंदर, यही करना, क्या करें, मतलब पूरी गली में हम ये मियां खलीफा की मूवी लगाए। अरे भाई कुछ तो सोचो। अच्छा नहीं हार जाते यार, मैं पता था ज़का अशरफ पहुंचा हुआ है, हारना ही था, लेकिन कम से कम यार थोड़ा आखिरी गेंद तक तो खेलते यार। 8-7 बजे मैच खत्म, मतलब रात होनी ही नहीं थी, तुमने हमने हमारा प्रोजेक्ट यूज होने ही नहीं दिया है। बिल्कुल यार ज़का अशरफ इसे तो बिल्कुल ना करो, हमारे बंदों के मायूस हुए हुए थे उस टाइम, प्लेयर साफ पता चल रहा था कि भाई वो ऐसे मुंह लटका के बैठे हुए, अचानक आप उठ के आ जाते हो सरप्राइज दे, तो ये कैसा सरप्राइज था, ये कोई तरीका है 2011 की हिस्ट्री तो अपने फिर रिपीट कर ली, इस तरह तो नहीं होता है यार। नहीं यार, बंदा छुट्टी मुट्टी करता है, आता है मैच देखने के लिए, लेकिन नहीं ये कोई तरीका है। तो भाई अभी इतना गुस्से में है कि मेरा कैमरा भी जो है ना वो तोड़ने वाला है। तो यार बात ये है कि चलो बैटिंग लाइन तो नहीं चली यार, बॉलिंग तो चला लो। शाहिन अफरीदी ने शादी करके पता नहीं क्या कर दिया भाई, तुम वर्जिन थे, सही थे वो, सही कहते थे यार तुम जो है ना पहले सही खेल रहे थे, अब तुम वैसे रही नहीं हो भाई, तुमसे बहुत उम्मीदें थी हमारी और जो है वो अब दिल टूट चुका है। हारिस रूफ जो है ना उसने जो एग्रेशन दिखाई है ना, ऐसा खेलो यार
दिल खुश कर दिया आरिफ सरूफ ने, बल्ले उसने विकेट नहीं ली। हसन अली ने विकेट ली है ना? हाँ, शुरू की विकेट नहीं, हसन अली ने मेरे ख्याल में नहीं ली है। हाँ, शाइन ने विकेट ली है। लेकिन यार सिर्फ विकेट लेना नहीं होता है, बॉलिंग को रोक के भी रखना होता है। ऐसा नहीं कि तुम छक्के चौके दो, उसने भाई रोहित शर्मा तुमने आउट क्लास जो है ना हमें धोया है भाई, सही छक्के मारे, क्यों ना मारोगे यार, इतने मजे मलाई वाली बॉलिंग अब चलाएंगे तो। चलो यार इसके साथ साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और मेरी वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो तो उसको लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर दें।